तो अगर आप लोग का बजट है 30,000 का एंड आप लोग का कन्फ्यूजन कि भाई मेरे को कौन सा फोन लेना चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को 5 बहुत ही बढ़िया फोन बताने वाला हूँ एंड आप लोग को आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताने वाला हूँ कि कौन सा बेस्ट फोन रहने वाला है, क्योंकि हर बंदी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताने वाला हूँ कि कौन सा बेस्ट फोन रहने वाला है आप लोग के लिए। सो हेलो सोल्डन, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो का नाम आप लोगों को 5 बहुत ही बढ़िया फोन बताने वाला हूं जो आप लोगों को अंडर 30,000 मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। करते वीडियो को जल्दी से स्टार्ट, तो भी ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते शुरुआत करते अपने लिस्ट के 5th फोन के साथ। तो हमारी जो लिस्ट का 5th फोन आता है वो आता है वीवो V20 Pro एंड मैंने वीवो की बात करी है तो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आप लोगों की प्रायरिटी ऐसे मतलब सेल्फी है, मतलब आप लोगों को ऐसे व्लॉगिंग वगैरह करते हो, आप लोगों को क्रिएटर हो, आप लोगों को वीडियो बनानी पड़ती है, ऐसे मतलब कुछ भी आप लोगों की ऐसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट सेल्फी है, तो आप लोग इस फोन की तरफ बिल्कुल आँख बंद करके चले जाओ। आपको बेस्ट फोन मिल जाता है अपने प्राइस के हिसाब से, मतलब सेल्फी के अंदर आपको ऐसा कोई फीचर नहीं लगेगा कि भाई मेरे को इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, ऐसा कुछ भी सीन नहीं रहने वाला एंड आपको 5G फोन वगैरह ही मिल जाता है एंड बाकी की सारी चीज़ें भी आपको काफ़ी सही मिल जाती है। तो भी शुरुआत कर लेते हैं अपने Vivo V20 Pro के डिस्प्ले एंड डिज़ाइन से। तो इधर आप लोगों को 6.44 इंचेस का AMOLED पैनल मिलता है, इधर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, इधर आपको बड़ी सी नोच मिलती है, थोड़ी आपको पुरानी टाइप लगती है, बाकी इधर आप लोग को फुल HD प्लस का पैनल मिलता है, जो आपको बैक मिलता है ग्लास की मिलती है, बैक साइड के अंदर आप लोग को 3 कैमरे मिल जाते हैं एंड इस फोन का डिज़ाइन कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा पतला फोन है, काफ़ी हल्का फोन है, मतलब ये सारी चीज़ें ना आपको इन हैंड फील वाली जो भी आपकी चीज़ें काफ़ी प्यारी आप लोगों को इस फोन के साथ मिलने वाली है। मतलब मेरे को स्पेशली बेस्ट मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ डिज़ाइन वाला फोन अपने प्राइस के अंदर, मतलब बहुत ही ओपी मेरे को इसका डिज़ाइन एंड कलर लगता है, बहुत सही है। तो अभी चल लेते हैं कैमरे डिपार्टमेंट के अंदर। तो इस फोन में आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं, 64 मेगापिक्सल जो आपको सैमसंग का GM1 वाला सेंसर मिलता है, प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। यहाँ पर आप लोग 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बात की जाए सेल्फी की तो इधर आप लोग को डुअल सेल्फी मिल जाती है, 44 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, इधर भी आप लोग 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो। EIS वगैरह मिल जाता है, आई ऑटो फोकस वगैरह मिल जाता है, यानी कि DSLR टाइप के आपको इधर फीचर मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोग कंटेंट क्रिएटर हो ना एंड आप लोगों को सेल्फी की जरूरत पड़ती है, आंख बंद करके इस फोन की तरफ आप लोग जा सकते हो। तो भी चल लेते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट के अंदर। तो इधर आप लोग को स्नैपड्रैगन का 765G का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 7nm का प्रोसेसर मिलता है, टकोर का प्रोसेसर है, एडिनो का 620 का आपको GPU मिलता है एंड ये फोन आपको एक 5G फोन मिलता है। बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं तो इधर आपको एवरेज से थोड़ी सी कम बैटरी मिलती है, बट हाँ इधर आपको AMOLED पैनल मिलता है एंड इधर आपको कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलता एंड जो आपको प्रोसेसर मिलता है काफी एफिशिएंट प्रोसेसर भी मिलता है, तो आपको एक अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिलने वाला है, ज्यादा तो नहीं बट आपको एवरेज तो मिल ही जाएगा, उधर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी इधर आप लोग को 4000mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको 33W का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है। बात करते हैं फोन की कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आप लोग को गड्ढा मुक्त जिंदगी मिलती है, ये तो अपने पीयूष भाई की लाइन हो गई। इधर आप लोगों को 3.5mm का जैक नहीं मिलता, तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी बेकार लगी। बाकी इधर आप लोग को एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, फ्रंट टच UI 11 मिल जाता है, एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैन मिल जाता है, इधर आपको सारे सेंसर मिल जाते हैं, यूएफएस 2.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है, वाइल्ड वेल L1 मिल जाता है, कैमरा टू API मिल जाता है, HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है, इधर आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है फ्रंट एंड बैक दोनों में ही एंड इधर आप लोग को लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो इधर आप लोग को 8GB की रैम 128GB की रोम मिलती है 30,000 के प्राइस पे। वैसे अगर आप लोग ये फोन लेने का सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को एक प्रो टिप देता हूं कि आप लोग इस फोन को ऑनलाइन परचेज मत करना, इस फोन को आप लोग ऑफलाइन परचेज करना, तो आप लोगों को ये फोन इजीली मतलब 22-23-24-23 के आसपास का इजीली मिल जाएगा आप लोगों को ये फोन, आपको कोई दिक्कत नहीं होने, थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन होती है तो वो सब आप लोग पढ़ लेना कि ये वाला कार्ड वगैरह यूज करना है, तो आप लोगों को ऑफलाइन ये फोन काफी सही प्राइस पे मिलने वाला है। तो अभी चल लेते अपने लिस्ट के 4th फोन की तरफ। तो हमारे जो लिस्ट का 4th फोन आता है ये उन लोगों के लिए, अगर आप लोगों को कोई नॉन चाइनीज फोन परचेज करना है, जिधर आप लोग गेमिंग वगैरह भी कर लो एंड आपको बाकी की सारी चीज़ें भी काफ़ी सही मिल जाती है, तो इधर हम लोग बात कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी F62 एंड सैमसंग गैलेक्सी M51। तो M51 एंड F62 के अंदर आपको एक ही फ़र्क मिलता है, वो काफ़ी बड़ा फ़र्क है वैसे तो, प्रोसेसर का फ़र्क मिलता है। अगर आप लोगों को मतलब कंटिन्यू गेमिंग करनी है, मतलब आपको लगातार गेमिंग करनी है, देन आप लोग सैमसंग गैलेक्सी M51 की तरफ जाना, वहीं अगर आप लोग को वन UI के सारे फीचर्स वगैरह चाहिए, देन आप लोग सैमसंग गैलेक्सी F62 की तरफ जाना। बाकी स्पेसिफिकेशन आपको
सारी ही सेम मिल जाती है, आपको कोई भी फर्क नहीं मिलता। डिस्प्ले वगैरह आपको सेम मिल जाती है, बैटरी कैपेसिटी सेम मिलती है, कैमरा वगैरह आपको सेम मिल जाता है, एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको सेम वगैरह मिल जाते हैं। हाँ, प्राइस के अंदर थोड़ा सा फर्क है, वाली बात है। तो हम लोग इधर बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी F62 की। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आप लोग को एक सही साइज की डिस्प्ले मिलती है। इधर आपको 6.7 इंच का सुपर एमोलेड प्लस पैनल मिलता है। इधर आपको कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलता। इधर आपको स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। इधर आपको पंच होल मिलते हैं, जो आपको बैक मिलते हैं प्लास्टिक के मिलते हैं। बैक साइड के अंदर आपको चार कैमरे मिलते हैं। मेरे को स्पेशली F62 का डिजाइन पसंद नहीं आया, मेरे को M51 का डिजाइन ज्यादा सही लगा है। वही चलते कैमरे डिपार्टमेंट की तरफ। तो इस फोन में आपको बैक साइड में चार कैमरे मिलते हैं। 64 मेगापिक्सल जो आपको सोनी का MX682 का सेंसर मिलता है, प्लस 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, प्लस 5 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट, प्लस 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। 4K अगर आप लोग इजीली कर सकते हो उधर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बात की जाए सेल्फी की, तो उधर आप लोग को 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। सेल्फी से भी आप लोग 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो। चलते प्रोसेसर डिपार्टमेंट की तरफ। तो इधर आप लोग को एक्सिनोस का 9825 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 7nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, मान लीजिए 76 का आपको GPU मिलता है, एंड ये फोन आपको 4G फोन मिलता है। बात करते हैं बैटरी की, तो इधर आप लोग को खाती पीती बैटरी मिल जाती है। इधर आप लोग को बैटरी नहीं जनरेटर इधर आप लोग को मिल जाता है। इधर आपको 7000mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 25W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, एंड आपको 25W का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आप लोग को 3.5mm का जैक मिल जाता है, एंड्रॉइड 11 मिल जाता है, One UI 3.1 मिल जाता है, जो आपको फुल फ्लैश वर्जन मिलता है। इधर आपको NFC मिल जाती है, नॉक सिक्योरिटी मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है। इधर आप लोगों को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, वाइल्डवेल L1 मिल जाता है, सारी सेंसर मिल जाते हैं, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, जीकैम का सपोर्ट मिल जाता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है, UFS 3.0 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, डेड की स्टोरेज मिल जाता है, एंड इधर आप लोग को HDR10 का भी सपोर्ट मिलता है। बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो इधर आप लोग को 8GB की 128GB की रोम मिल जाती है 26,000 के प्राइस पे। तो अगर आप लोग ये फोन परचेज करने का सोच रहे हो, तो मैं ये बोलूंगा थोड़ा सा मेरे को ये फोन ओवर प्राइस लगता है। बाकी अगर आप लोग इस फोन को सेल वगैरह में लोगे या फिर आप लोग कार्ड वगैरह अप्लाई करोगे, तो आप लोगों को काफी सही फोन मिल जाएगा, वैल्यू फॉर मनी फोन मिल जाएगा। बट स्टिल अगर आप लोग सैमसंग की ब्रांड वैल्यू को देखते हो, तो काफी सही फोन आपको मिलता है, एक नॉन चाइनीज सिक्योर फोन आप लोगों को मिल जाता है। तो अभी चल लेते अपने लिस्ट के थर्ड फोन की तरफ। तो मैं जो लिस्ट का थर्ड फोन आता है ना भाई, ये थोड़ा सा पुराना फोन है, बट गेमिंग वाइज बहुत ओपी फोन आप लोगों को मिल जाता है। अगर आप लोग की मतलब प्रायोरिटी गेमिंग एंड आप लोगों को 3.5mm का जैक वगैरह भी चाहिए उसी के साथ, तो आप लोग इस फोन की तरफ बिल्कुल जा सकते हो। हम लोग इधर बात कर रहे हैं iQOO 3 4G की। हाँ, इसके अंदर आपको एक दूसरा रेंट भी मिलता है, जो आपको 5G मिलता है, उसका प्राइस आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, बट इधर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो 4G वाले वेरियंट की कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आप लोगों को 6.44 इंच का फुल HD प्लस का सुपर एमोलेड पैनल मिलता है। इधर आपको कोई हाई रिफ्रेश रेट तो नहीं मिलता, जो चीज़ मेरे को थोड़ी सी बेकार लगी गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी इधर आप लोग को स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलता है, जो आपको सुपर एमोलेड पैनल मिलता है। बाकी इधर आप लोग को पंच होल मिलते हैं, जो आपको बैक मिलते हैं ग्लास की मिलते हैं, बैक साइड के अंदर आप लोगों को चार कैमरे मिल जाते हैं। चलते कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ। तो इस फोन में आपको बैक साइड में चार कैमरे मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल टेलीफोटो के लिए, जहां पर आप लोग 20x जूम कर सकते हो, प्लस 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड जिससे आप लोग मैक्रो शॉट भी ले सकते हो, प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए 4K वगैरह आप लोग इजीली कर सकते हो। बात कीजिए सेल्फी की, तो इधर आप लोगों को 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। प्रोसेसर डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं, तो इधर आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 865 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 7nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, एड्रिनो का 650 का आपको GPU मिलता है। बैटरी डिपार्टमेंट में चलते हैं, तो इधर आप लोगों को सही साइज की बैटरी मिल जाती है। इधर आपको 4400mAh की बैटरी मिलती है, 55W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, एंड आप लोग को फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर मिलता है, एंड इधर आप लोग को टाइप सी का पोर्ट भी मिल जाता है। तो ये बात कर लेते हैं फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आप लोग अपनी प्यारी दुलारी चीज 3.5mm का जैक मिल जाता है, जो गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सही चीज मिलती है। बाकी इधर आप लोग को कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं मिलता, एंड्रॉइड 10 मिल जाता है। इधर आप लोग को iQOO का खुद का UI मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन फ्रंट बैक दोनों पे मिल जाती है, सारे सेंसर मिल जाते हैं, HDR10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, LPDDR5 आपको रैम टाइप मिल जाती है, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, 180 हर्ट्ज के इधर आप लोग को टच रिस्पॉन्स रेट मिल जाता है, एंड इधर आप लोग को ट्रिगर्स वगैरह भी मिल जाते हैं, जो काफी सही चीज है। बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो इधर आप लोगों को 8GB की रैम 128GB की रोम मिल जाती है 30,000 के प्राइस पे। बाकी आप लोगों को ये फोन सेल वगैरह के अंदर अंडर 25,000 ही मिल जाता है। अभी जो लास्ट सेल गई थी फ्लिपकार्ट में, इस सेल के अंदर इस फोन का प्राइस अंडर 25,000 चला गया था। तो अभी चल लेते अपने लिस्ट के सेकेंड फोन की तरफ। तो हमारी जो लिस्ट का सेकंड फोन है ना, ये भाई मतलब आपको गेमिंग प्लस 5G फोन काफी प्यारा मिल जाता है, एंड इधर आप लोगों को सुपर एमोलेड का पैनल वगैरह मिल जाता है, तो ये चीज काफी ज्यादा प्यारी हो जाती है। बाकी इधर आपको 3.5mm का जैक नहीं मिलता, तो ये चीज मेरे को थोड़ी सी बेकार लगी इस फोन के साथ। तो हम लोग इधर बात कर रहे हैं रियलमी X7 Pro की। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आप लोग को 6.55 इंच का फुल HD प्लस का सुपर एमोलेड पैनल मिलता है। इधर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। इधर आपको पंच होल मिलते हैं, जो आपको बैक मिलते हैं ग्लास की मिलती है, एंड बैक साइड के अंदर आप लोगों को चार कैमरे मिल जाते हैं। कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ चलते जैसे आपको बैक साइड
रेड में चार कैमरे मिलते हैं, 64 मेगापिक्सल जो आपको IMX 686 का सेंसर मिलता है, प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा रेड, प्लस 2 मेगापिक्सल के छुटकू आपको मिलते हैं माइक्रो एंड डेप्थ सेंसिंग के लिए। 4K अगर आप लोग कर सकते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इधर आप लोग को सेल्फी 32 मेगापिक्सल की मिलती है। प्रोसेसर डिपार्टमेंट में चलते हैं, इधर आप लोग को 5G बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है। इधर आपको डायमेंसिटी का प्रोसेसर मिलता है, इधर आप लोग को डायमेंसिटी 1000 प्लस का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 7 mm का प्रोसेसर मिलता है, टकोर का प्रोसेसर है, मान लीजिए 77 का आपको GPU मिलता है, इंडिया फोन आपको 5G फोन मिल जाता है। बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं तो इधर आप लोग को 4500 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 65W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर मिलता है। बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आप लोग को अपना 3.5mm का जैक नहीं मिलता, इधर आपको कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं मिलता, इधर आपको सारे सेंसर मिल जाते हैं, इधर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैन मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट बैक दोनों पे मिल जाती है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है, OFS 2.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, SDI10 का सपोर्ट मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, रियलमी UI मिल जाता है, इधर आपको 240Hz का टच रिस्पॉन्स रेट मिल जाता है एंड इधर आप लोग को वेपर कूलिंग सिस्टम भी मिल जाता है, यानी कि आपका फोन हीट वगैरह नहीं होगा एंड अगर फोन हीट वगैरह भी होगा तो आपका फोन जल्दी से ठंडा हो जाएगा, तो ये वाली सारी बात होती है। बात करते हैं वेरिएंट प्राइस की, अगर आप लोग को 8GB की रैम 128GB की रोम मिल जाती है 30,000 के प्राइस पे, तो अगर आप लोग को गेमिंग के साथ एक 5G फोन भी चाहिए तो आप लोग इस फोन की तरफ बिल्कुल जा सकते हो। वैसे अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो एंड सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड जब आप लोग सब्सक्राइब पे क्लिक करोगे तो ऑल पे भी क्लिक कर देना। अभी चल लेते अपने लिस्ट के फर्स्ट फोन की तरफ। तो हमारे जो लिस्ट का फर्स्ट फोन है ना भाई, आपको काफी सही फोन मिल जाते हैं, आपको बहुत ही तगड़ा हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है, बहुत ही हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है। आपको पता है कि भाई स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ होते हैं, अच्छी खासी आपको बैटरी मिल जाती है, तो आपको बाकी सारे एंड दिखने में भी काफ़ी फोन आपको सही मिलता है एंड बाकी की सारी चीज़ें भी आप लोगों को काफ़ी तगड़ी मिल जाती है एंड 5G फोन भी मिलता है। इस फोन के साथ मेरे को एक चीज़ बुरी लगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है सुपर एमोलेड पैनल, तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी बेकार लगी कि इधर आप लोगों को IPS पैनल मिलता है, इधर हम लोगों को सुपर एमोलेड या एमोलेड पैनल नहीं मिलता। तो पर आप लोग गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, अगर आप लोगों को गेमिंग करनी है तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से सुपर एमोलेड एंड IPS के अंदर। तो हम लोग इधर बात कर रहे हैं Mi 10T की, शुरुआत करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन से, तो इधर आप लोगों को 6.61 inches का फुल HD प्लस का IPS पैनल मिलता है, इधर आप लोगों को 144Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है जो काफ़ी कमाल का है एंड इधर आप लोगों को पंच होल मिलता है एंड पंच होल का साइज़ भी आपको काफ़ी छोटा मिलता है, जो आपको बैक मिलता है ग्लास की मिलती है एंड बैक साइड के अंदर आप लोगों को 3 कैमरे मिलते हैं एंड जिस फोन का आपको फ्रेम मिलता है आपको एल्यूमिनियम का मिलता है, तो आपको प्रीमियम क्वालिटी काफ़ी तगड़ी मिलने वाली है इस फोन के साथ एंड दिखने में भी ये फोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको मिलता है। चलते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ, इस फोन में आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं, 64 मेगापिक्सल जो आपको सोनी IMX 682 का सेंसर मिलता है, प्लस 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा रेड, प्लस 5 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट के लिए, इधर आप लोग 8K रिकॉर्डिंग कर सकते हो जो अगेन एक काफ़ी ज़्यादा प्यारी चीज हो जाती है। बात करते हैं सेल्फी की, तो इधर आप लोगों को 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है एंड सेल्फी से आप लोग मैक्स फुल HD के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो प्रोसेसर डिपार्टमेंट की तरफ चलते तो इधर आप लोगों को काफी सही प्रोसेसर मिलता है एंड ये आपको 5G फोन मिलता है, इधर आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 865 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 7 mm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टाकोर का प्रोसेसर, एड्रेनो का 650 का आपको GPU मिलता है। बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ चलते तो इधर आपको बैटरी भी काफी सही मिलती है, इधर आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको इतना ही चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आप लोगों को 3.5mm का जैक नहीं मिलता, इधर आप लोगों को स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट बैक दोनों पे मिल जाती है, एल्युमिनियम फ्रेम मिलता है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, इधर आप लोगों को हैप्टिक्स भी काफी तगड़े मिल जाते हैं, इधर आप लोगों को LPDDR5 रैम टाइप मिल जाती है, NFC का सपोर्ट मिल जाता है, इसकी डिस्प्ले अडैप्टिव सिंक के साथ आती है, IR ब्लास्टर मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, एंड्रॉइड 11 मिल जाता है, MIUI 12 मिल जाता है एंड इधर आप लोगों को मेमोरी कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं मिलता। तो एक दो चीज थोड़ी सी बेकार लगी इस फोन के साथ, जैसे कि 3.5mm के जैक का ना होना एंड सुपर एमोलेड पैनल का ना होना, तो ये थोड़ी सी चीजें बेकार लगी, अदरवाइज गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी तगड़ा ये फोन मिल जाता है। बाकी आप लोग यूज कर सकते हो भाई कनेक्टर वगैरह तो है, आजकल काफी सारे फोन से मिस हो ही रहा है 3.5mm का जैक। भाई बात कर लेते वेरिएंट एंड प्राइस की, तो इस फोन के अंदर आप लोगों को 6GB की रैम 128GB की रोम मिलती है 33,000 के प्राइस पे। हाँ मेरे को पता है अपनी वीडियो के अंदर हम लोग जिन फोन की बात कर रहे हैं 30,000 के अंदर है, बट स्टिल ये फोन अपने प्राइस को वर्थ करता है, मतलब अपने प्राइस के हिसाब से काफी सही मिलता है 33,000 के हिसाब से। बट आप लोगों का बजट अगर 30,000 ही है तो मैं बोलूंगा सेल वगैरह आने वाले, तो सेल वगैरह के अंदर आप लोग इस फोन को ले लेना, इजिली आप लोगों को 25,000 के आसपास का मिल जाता अगर आप लोग कार्ड वगैरह अप्लाई कर दोगे तो।
तो अब एक बार बात कर लेते हैं समरी की। तो अगर आप लोगों को सेल्फी के लिए कोई फ़ोन चाहिए, अगर आप लोगों को मतलब ऐसे सेल्फी से ज़्यादा काम होता है, वीडियो वगैरह बनाते हो आप लोगों को, ऐसा हो मतलब सेल्फी वगैरह व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो, तो आप लोग जा सकते हो Vivo V20 Pro की तरफ। वहीं अगर आप लोगों को प्राइवेसी को ध्यान रखना है एंड आप लोग को एक अच्छा फ़ोन चाहिए जहाँ पर आप लोग कंटिन्यू गेमिंग खेल सकते हो, तो आप लोग Samsung Galaxy M51 की तरफ जा सकते हो। वहीं अगर आप लोग को फुल फ्लैश वर्जन वगैरह चाहिए One UI का, तो आप लोग जा सकते हो Samsung Galaxy F62 की तरफ। वहीं अगर आप लोग को गेमिंग बेस्ड फ़ोन चाहिए तो आप लोग जा सकते हो iQOO 3 की तरफ, जिधर आप लोग को 3.5 का जैक भी मिल जाए, बाकी ये फोन आपको 4G मिलता है, इधर आप लोगों को हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलता। एंड अगर आप लोगों को कोई सुपर एमोलेड पैनल के साथ हाई रिफ्रेश रेट वाला फोन चाहिए तो आप लोग जा सकते हो Realme X7 Pro की तरफ। वहीं अगर आप लोग ऐसे फर्क नहीं IPS एंड एमोलेड से एंड आप लोग को गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही तगड़ा फोन चाहिए, देन आप लोग जा सकते हो अपने Mi 10T की तरफ। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे भाई आपको इन पांचों फोन में सबसे तगड़ा फोन कौन सा लगा, बाकी आपकी कुछ भी राय अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, मिलते हैं किसी वीडियो में। तब तक के लिए।